मेरे फेवरेट शेड्स मैं आपको बता देता हूँ, और उससे पहले एक कोट पढ़ लेता हूँ आप लोगों के लिए। इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी वाइल यू आर स्लीपिंग, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आपके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे आप सोते टाइम भी पैसा कमा रहे हो, तो आप जिंदगी भर पैसा कमाओगे। और शेयर मार्केट में क्या होता है, पैसा लगा के सो जाओ, 10 साल बाद उठो, वो पैसा आपको 100% रिटर्न देगा अगर आपको कंपनी पे विश्वास है तो। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि अगर मैं नया हूं और मुझे कोई ऐसी 5 कंपनियां बता दो, मेरे पास 5-10 हजार रुपया है, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, और वो 5-10 हजार रुपया की जरूरत हाल फिलहाल आपको नहीं है, ऐसा होना चाहिए। मतलब जो भी पैसा आप लगाना चाहते हो उसकी सख्त जरूरत ना हो, कल को पता लगे आपके घर पे प्रॉब्लम हो रही है और आप शेयर मार्केट में, ऐसा नहीं करना है। याद रखना, वो पैसा वो लगाना है जो आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा है, पैसा वो लगाना है जो आपके पास एक्स्ट्रा है, या पैसा वो लगाना है जो आप वेस्ट करते हो। समझो मैं क्या बोल रहा हूं, समझ रहे हो? आप बेवजह पिज्जा खा रहे हो, वो 250-300 रुपए खर्च किए हैं, बेवजह कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, वो पैसा खर्च किया है। आप बेटर है कि आप वहां पे खर्च मत करो, 2 रोटी खा लो घर पे बना के, वो पैसा लगा दो, काम आएगा जिंदगी। आप सिगरेट पीते हो, ड्रिंक करते हो, बंद कर दो, वो पैसा कहाँ लगा दो? फालतू पैसा है ना, सिगरेट पीना कोई आपको मजबूरी तो है नहीं, आपकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी और आपको पैसा भी बनेगा। जो सिगरेट बनाती है उस कंपनी में पैसा क्यों नहीं लगा देते? बेवजह के जो फालतू खर्चे करते हो बंद कर दो, जाओ वो पैसा बचाओ थोड़ा थोड़ा। आपको पॉकेट मनी मिलती है, अच्छा कल को स्टूडेंट कहेगा मैं कहाँ से लाऊं? स्टूडेंट को पॉकेट मनी घर से मिलती होगी, 10-10 रुपये करके भी अगर आपको एक दिन में 10 रुपया मिलता है तो अब कितने हो गए, 30 दिन में 300 रुपये हो गए। आप 300 रुपये में 3 शेयर खरीद सकते हो, 2 शेयर तो आराम से बढ़िया कंपनी की खरीद सकते हो, ITC का 1 शेयर आराम से आ जाएगा आपका। ऐसे करके अगर आप साल भर में देखो तो आप 12 शेयर खरीद लोगे, पड़े रहने दो। और कंपनीज बहुत सारी हैं, आपको पेनी स्टॉक्स भी मिलेंगे जिनके पैसे बहुत कम होते हैं। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि अगर मैं अपने फेवरेट शेयर्स बताऊं कि मेरे फेवरेट शेयर्स कौन से हैं, तो मैं आपको मेरे फेवरेट शेयर्स बताता हूं, ये फाइनल लास्ट है, ठीक है, ध्यान से सुनना। माय फेवरेट शेयर्स जो मैं रेकमेंड कर सकता हूं, बट मैं आपको फिर से कह रहा हूं, मैं आपको बता तो रहा हूं, बट आप प्रॉमिस करो कि आप खुद से एनालिसिस करोगे, मेरे कहने पे नहीं, ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बताना भूल गया, वो भी मैं आपको बता देता हूं। मेरे फेवरेट शेयर्स में आते हैं, सबसे पहले तो मेरा फेवरेट शेयर है ICICI बैंक, और इसी के साथ है मेरा HDFC बैंक। ये बैंक की बात कर रहा हूं मैं, मौका मिले आप खरीदो। अब मैंने ICICI पहले क्यों लिखा, क्योंकि ICICI का जो शेयर है वो सस्ता है, 600 के करीब है, वो देख लेना रियल कीमत क्या है। लेकिन HDFC का जो बैंक का शेयर है वो 1500 रुपए के करीब, क्योंकि महंगा है, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप यहां से कर सकते। इसी बैंकिंग सेक्टर में मेरा एक और फेवरेट है SBI, लेकिन अभी क्या है वो बूम पे चल रहा है। मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताऊंगा, 430 रुपए का शेयर है, लगा सकते। तो ये मेरे बैंकिंग सेक्टर में मेरे फेवरेट हो गए जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर का हो गया। और मेरे फेवरेट शेयर कौन से, मैं आपसे कहूंगा आप विप्रो में लगाओ, विप्रो, ठीक है। और लेकिन फिर से कह रहा हूं, ये मेरी राय है, आप अच्छे से स्टडी कर लेना कंपनी की, ये मेरी राय है। मैं आपको फिर से कहूंगा कि आप अच्छे से स्टडी करके अपने रिस्क पे लगाना, क्योंकि मैं अपने रिस्क पे लगाया हूं, किसी और के रिस्क पे नहीं, अपने आप पे विश्वास रख के लगाना। विप्रो, आपके पास 3 कंपनियां हैं, TCS, इंफोसिस। अब समस्या क्या है ना, मैं आपको बताता हूं, ये 3 कंपनियां अच्छी हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग बिगिनर हैं, पैसा कम है, TCS मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, बहुत महंगा है, 3000 रुपए का शेयर है। इंफोसिस का शेयर 1500 रुपए तक पहुंच चुका है, ये भी बहुत महंगा है। आप जाओ विप्रो, अजीम प्रेम जी कौन नहीं जानता, बरसों से लोग जानते हैं विप्रो का नाम, बरसों से सुनते आ रहे हैं, कभी खत्म नहीं होगी ये कंपनी। LED अगर किसी ने खरीदी, विप्रो कंपनी खरीदी होगी तुम लोगों ने, तो इसका शेयर आपको 500 रुपए के करीब में मिल जाएगा। IT कंपनी में जरूर लगाओ। अब पकड़ो PSU, पकड़ते हैं PSU, पब्लिक सेक्टर यूनिट। अच्छा एक और चीज बताता हूं, एक बहुत बढ़िया आपको मैं, एक बहुत बढ़िया, चलो मान लो कोई कहता है कि ये भी बहुत महंगा है, मैं आपको आज एक बहुत बढ़िया वाले शेयर्स बताता हूं जो मेरे खुद के पोर्टफोलियो में हैं, ठीक है, और वो इतने सस्ते हैं कि आप यकीन नहीं करोगे, बहुत बढ़िया शेयर्स हैं, बहुत बढ़िया शेयर्स हैं, एंड यू कैन इन्वेस्ट इन दैट, मैं वो बता देता हूं आपको, ठीक है, और बहुत सस्ते शेयर्स हैं, बहुत बढ़िया शेयर्स हैं। मेरा पोर्टफोलियो काफी अच्छा पोर्टफोलियो है, मैं आपको अभी ऐसे ऑन स्क्रीन तो नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन मैं इसमें कुछ शेयर्स ऐसे बताता हूं
जो कि बहुत कम पैसों के, जिसमें मैंने पैसा लगा रखा है, आपकी मर्जी है तो आप लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन बहुत कम पैसों के हैं। मैं आपको बताता हूं वो शेयर कौन से। इसमें से एक शेयर है, नाम है उसका नेशनल एल्यूमिनियम, लिख लेना काम आएगा, तो इसको हटाता हूं। याद रखना ये PSU है, नेशनल एल्यूमिनियम, ये मेरे पोर्टफोलियो में शेयर है। आप पता है कितने का शेयर है? ये क्यों अच्छा है मैं बताता हूं। एक तो ये गवर्नमेंट कंपनी PSU है, दूसरा है डिविडेंड बहुत अच्छा देती है। डिविडेंड का मतलब जब आप शेयर खरीदोगे तो आपको खुश कर देगी, हर साल हर तिमाही में पैसे मिलते हैं, वो अच्छे मिलेंगे आपके अकाउंट में आएंगे सीधे। इस शेयर का प्राइस देख लो, आज के टाइम पे शेयर 72 रुपए का है, 72 रुपए ओनली पर शेयर। अब आप बताओ, अब वह 100 रुपए आप नेशनल एल्यूमिनियम का शेयर खरीद सकते हो। मैं महंगे शेयर नहीं, सस्ते की बात कर, ये मेरे पोर्टफोलियो में है, फिर से कह रहा हूं, आप अपनी स्टडी कर लेना, ठीक है। मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि ये गवर्नमेंट का कम शेयर है, इसलिए मैंने खरीद लिया। अब आते हैं एक और कंपनी, एक है ONGC जिसका शेयर है मेरे पास, ONGC PSU है, ONGC का शेयर मात्र 125 रुपए का, सिर्फ 125 रुपए का शेयर है। और पकड़ो एक शेयर मेरा और फेवरेट है, वो शेयर है Pidilite का लेकिन बहुत महंगा है, लेकिन अगर आप सोचो कि मान लो कि आपको कोई भी चीज चिपकानी है, आप पक्का Pidilite के प्रोडक्ट खरीद के लाओगे, लेकिन बहुत महंगा, लेकिन Pidilite एक ब्लू चिप शेयर है, ऐसे मान लो आप, बहुत बहुत ही बड़ी लार्ज कैप कंपनी है, ठीक है, बहुत महंगा है, उसकी बात नहीं करो, सस्ते शेयर की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। इसके अलावा IOC का शेयर मात्र 114 रुपए का, IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, IOC मात्र 114 रुपए का शेयर है, IOC 114 रुपए का शेयर है, बताओ 114 रुपए सेव नहीं कर सकते हो आप, पक्का कर सकते हो। मैं सस्ते शेयर बता रहा हूँ जो मेरे पोर्टफोलियो में, अपने पोर्टफोलियो से देख के बता रहा हूँ आपको। एक मेरा और फेवरेट शेयर है, लेकिन वो ना तब बूम में आएगा जब फ्यूचर में टाइम लगेगा उसको, लेकिन बहुत अच्छा है, मात्र 51 रुपए का एक शेयर है, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ अपनी स्टडी कर लेना, अपनी स्टडी कर लेना तब लगाना, मात्र 51 रुपए का एक शेयर है। नाम है HSCL हिमाद्री, ये जो ई व्हीकल बनाती है उसमें ये जो रॉ मटेरियल्स होते हैं ना बैटरी वगैरह बनाने के लिए, उसमें काम आती है हिमाद्री, मात्र 51 रुपए का शेयर है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, आपने सुना नहीं होगा तो आप अपनी अपनी रिसर्च कर लेना, मेरे कहने पे मत जाना, बट मेरे पोर्टफोलियो में तो है, ठीक है। और मैं आपको बताता हूं, एक बहुत बढ़िया शेयर है हिंदुस्तान जिंक लिख लो, हिंदुस्तान जिंक। अब ऑब्वियसली PSU कंपनी है, जिंक निकालती होगी, पता लग रहा है। इसका शेयर मात्र 333 रुपए का एक शेयर, बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत अच्छा डिविडेंड देती है भाई, मौका मिले तो खरीद लेना, 333 रुपए का। और बताऊं, और शेयर बताता हूं, एक शेयर जो मैं आपको बताता हूं, बहुत ही पैनी, मतलब बहुत कम पैसों का लेकिन बहुत बढ़िया क्वालिटी का शेयर है, और वो है अशोक लेलैंड। आप बता दो मुझे एक बात, क्या आपने अशोक लेलैंड की गाड़ियां नहीं देखी क्या? आप बाहर निकलो, आपको पिकअप्स, जो छोटे छोटे ट्रॉलीज पिकअप्स, आपको अशोक लेलैंड की गाड़ियां दिखेंगी। आप सड़क पर निकलोगे, आपको अशोक लेलैंड की गाड़ियां दिखेंगी, जो थ्री व्हीलर जो आपके सामान ढोके लेके जाती है, 100% आपको वो गाड़ियां दिखेंगी, सबने देखी होती है। अशोक लेलैंड का शेयर मात्र 128 रुपए का, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, अपनी रिसर्च कर लेना, ठीक है। अब आते हैं फ्यूचरिस्टिक शेयर, एक और है मेरी तरफ से आपको गिफ्ट, शेयर का नाम है CG पावर, मैं आपको अपनी तरफ से बोल रहा हूं, ठीक है, बट फिर से रिसर्च कर लेना अपना, नाम क्या है CG पावर, ये मेरे पोर्टफोलियो में है, मैं मेरा पोर्टफोलियो बता रहा हूं आपको, महंगे शेयर तो बहुत महंगे महंगे मैंने बता दिए, अब सस्ते शेयर की बात। CG पावर शेयर मात्र 80 रुपए का है, कितने का है, मात्र 80 रुपए का। ये मैंने फ्यूचर शेयर बताए आपको, जरा सोचो, HSCL 51 रुपए का शेयर, एक 100 रुपए हैं, दो शेयर, 102 रुपए होंगे, दो शेयर आ जाएंगे। CG पावर 80 रुपए का, 200 रुपए हैं आपके पास, दो शेयर आराम से पैसे बच जाएंगे। अशोक लेलैंड 128 रुपए, अशोक लेलैंड किसने नहीं देखा बताओ, चलो इनमें से ये नहीं सुना होगा आपने, वो नहीं सुना होगा, अशोक लेलैंड सबने सुना, 128 रुपए का एक शेयर है, इतने पैसे तुम बचा ही लोगे। बहुत बढ़िया कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है,
ये शेयर मैंने 60 रुपए का जब था तब खरीदा था, सोचो जरा 60-70 रुपए पे झूल रहा था, ये शेयर डबल हो गया है, अंदाजा लगाओ आप, समझ रहे हो। और एक और बात, ये नेशनल एल्युमिनियम मैंने 42 रुपए में खरीदा था, 42 रुपीज में, आप ये 72 रुपीज का हो गया है। और ये नेशनल एल्युमिनियम मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है, अशोक लेलैंड मेरी फेवरेट कंपनी है, ठीक है, क्योंकि मैं जब भी कार से बाहर निकलता हूँ मैं इन गाड़ियों को देखता हूँ, समझ रहे हो। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। और मैंने आपको पैनी स्टॉक, मतलब पैनी नहीं कहेंगे इन्हें, मतलब ठीक है, मतलब कंपनियां बहुत अच्छी हैं, शेयर के प्राइसेस कम है, यू कैन इन्वेस्ट इन दैट, इज दिस क्लियर। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं आपको फिर से कहूँगा, मैंने आपको वो चीज़ें बताई हैं जो, ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको वो चीज़ें बताई हैं जो जिस पे मैं विश्वास करता हूँ, वो मेरा बिलीव है, मेरा यकीन है, मेरी रिसर्च है। हो सकता हो वो गलत होगी तो मेरे को घाटा होना चाहिए उसका, मैं आपसे क्या कहूँगा, मेरी सिर्फ रिसर्च है ये। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आपसे, आप डीमैट अकाउंट हो मेरे कहने पर ही खुला लो, लेकिन इन्वेस्टमेंट अपने भरोसे पे करना, क्योंकि डीमैट अकाउंट में कुछ नहीं लगने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता, यू मस्ट हैव दी अकाउंट। एटलीस्ट इंडिया में इतने अकाउंट खुले, मेरे को गवर्नमेंट आके धन्यवाद दे कि हाँ लोगों को सजा करेगा, मैं डीमैट अकाउंट तो खोल लिया उन्होंने, इंडिया में डीमैट अकाउंट ही नहीं है, 4% लोगों ने डीमैट अकाउंट खोल रखे। तो शेयर करो लोगों के साथ, ये क्या करते, तुम्हारे नॉर्मल अकाउंट है, डीमैट अकाउंट नहीं।